मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मीडिया के जरिए झूठ फैला रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि जिम्मेदार व्यक्ति सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर प्रदेश में जो सियासी पारा गर्म है उसको लेकर भी विपक्षी नेताओं पर हिमाचल की शांति बिगाड़ने के आरोप लगाए। के साथ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहां सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और आप समझें कि जितने भी सर्वे हुए, चाहे वो किसी मीडिया हाउसेस के थे, यूट्यूब चैनल्स के थे, आप एग्जिट पोल की बात करें, पूरी तरह से माहौल 100% एक पूरी संभावना थी हर जगह कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 50, 55 और 60 सीट तक आराम से जो मिल रही। उसका कारण था कि लोगों में जो है पिछली सरकार के खिलाफ वहाँ गुस्सा था। अब है बड़ी हैरानी करने वाले ये रिजल्ट्स रहे कि किस प्रकार से ये एकदम से मॉर्निंग में जब गणना शुरू हुई, काउंटिंग चली, तो उस वक्त भी आप देखें कि बहुत तेजी से जो लीड थी वो 70+ चली गई, और सबको उम्मीद भी थी पूरे देश के अंदर भी, चाहे मीडिया जगत के लोग थे, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में, और भी हमारी डायरेक्टली बात होती रही प्रचार के दौरान भी, तो माहौल बहुत अच्छा था। अब वहाँ उसमें क्या कमियां रही इसको लेके पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे इस पे चर्चा करेंगे कि किन किन कमियों की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना पाई। मैं कि जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, जो देश को प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, जिम्मेवारी के साथ हर बात होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों के प्रति सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो लोग सत्ता में हैं उनकी सारी जिम्मेवारी है, हमारा काम है झूठ फैलाना, लोगों को भ्रमित करना सिर्फ मीडिया के जरिए। उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति को हमेशा जिम्मेवारी के साथ लोगों को एड्रेस करना चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए और जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए कि भैया आप कोई एडवाइस करें, जयराम जी बताएं कि 2 वर्षों में कौन सी चिट्ठी, कौन सा मुद्दा उन्होंने जनहित का सरकार को या मुख्यमंत्री जी को लिखा है। केवल मात्र मीडिया के जरिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं। कोई टॉयलेट टैक्स नहीं, कोई किसी पे टैक्स नहीं, केवल आप लोगों को डराना चाहते, ये बिल्कुल गलत है। जो भी पिछले दिनों बात हुई थी कि टॉयलेट टैक्स सीट पर टैक्स है, उसकी जो चिट्ठी निकली वो तो जयराम जी के टाइम की निकली, वो नोटिफिकेशन तो जयराम जी के टाइम की है, उस पर तो वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ कि वो क्या था। तो इस तरह से गलत प्रचार के जरिए भाजपा ने एक तय कर दिया है कि झूठा प्रचार और गलत प्रचार से लोगों को भ्रमित करने का जो काम भाजपा कर रही है, मुझे लगता था कि इस बार ये हरियाणा में भी रुकेगा, लेकिन उनको वहां कामयाबियां मिली। उसके क्या कारण रहे, ग्राउंड रियलिटीज हरियाणा की अपनी अलग होगी, ये चीजें देखने वाली है। लेकिन जयराम जी को मेरी यही एक प्रार्थना रहेगी कि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं, कुछ अच्छे मुद्दे उठाएं और उनमें अच्छी बात होगी तो सरकार आपके विचारों को भी उस पर शामिल करेंगे और उस पर साफ तौर पर प्रदेश के हित के लिए, और प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति आप छोड़ गए हैं बदहाल करके अपने टाइम में, ये तो आप ऐसा 5 साल का आपका समय रहा जिस व्यक्ति ने कोई एक कदम नहीं उठाया प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए,